हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। लेट्स सी नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स। टुडे मींस फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज सर। सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ सर, मींस व्हाट इज सर, एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ सर, एंड देन we continue example related to this topic. So first, if n is any integer greater than 1, and if a is positive real number or rational number, no problem. So a is positive real number and nth root of a is x, and suppose nth root of a is x, then it is written as x raised to n equal to a, or nth root of a is x, that is also, or a raised to 1 upon n equal to x. That time we say the given example is a sir. Means student, sir के लिए क्या ध्यान में रखना है, इफ यंग इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन वन मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर, एंड ए इज पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर, दैट टाइम द यंथ रूट ऑफ ए, हाउ कैन वी रीड दिस, यंथ रूट ऑफ ए इज एक्स, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो वी राइट लाइक दिस, ए रेस टू वन अपॉन एन इक्वल टू एक्स। तो यदि कोई एग्जाम्पल हमें इस फॉर्म में दिखाई दिया तो तीन कंडीशंस हमें चेक करने हैं कि सर है या नहीं। तो क्या करना है, फिर से देखिए, यंथ रूट ऑफ ए दैट इज ए इरेशनल नंबर, और सपोज एक्स, वेयर एक्स इज irrational number, that time we say given example is sir, means यहाँ पे n, तीन चीजें क्या देखना है, n जो कि x से बड़ा means positive number होना चाहिए, a positive rational number होना चाहिए, और ये सभी मिलकर अगर हम लोग से x माना है तो x से होना चाहिए irrational number होना चाहिए। तो हम example देखेंगे तो और आपको ये डेफिनेशन क्लियर होते जाएगी कि इफ ए इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, यन इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, एंड यन रूट ऑफ ए इज एक्स, वेयर एक्स इज इरेशनल नंबर, दैट टाइम वी से दिस एक्स इज ए इरेशनल नंबर, मींस इट इज ए सर। सो हियर दिस सिंबल, अब इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन, देन ए दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड यन दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सर, यन को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ सर, एंड दिस एक्स इज इरेशनल नंबर। हर बार आपको ये कंडीशंस देखने पड़ेगी कि ए की जगह पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, मींस वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, बट इट इज नॉट ए निगेटिव इंटीजर, निगेटिव ना हो। उसके बाद यन, यन की जगह पे जो भी कुछ लिखा गया होगा वो एक से बड़ा होना चाहिए,
उसके बाद जो भी ये है इसकी वैल्यू एक्स जो होगी या फिर ये पूरा वो इरेशनल नंबर अगर हुआ तो हम उससे क्या कहेंगे कि वो क्या है, सर्ड है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने जैसे लिखा रूट टू, अब रूट टू में आप या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए एक मार्क का क्वेश्चन होता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द गिवन सेट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है n की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखा है, तो कुछ भी नहीं रहा, तो वहां पे क्या होता है, पावर 2 होती है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2, ये a के जगह पर है, वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और ये रूट 2, तीन चीजें देखे हम पता कर रहे हैं, एक n, ये यहाँ पे बीच में जो रेडिकेंट है, इसे हम a को जो पॉजिटिव रेशनल बोले उसी को क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। तो ये जो रेडिकेंट है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये सर्ड है या नहीं। तो पहले चीज ये देखिए यहाँ पे यान, फिर ये a और ये पूरा मिलकर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए सर, देयरफॉर इट इज ए सर। तो ये क्या हो गया, सर हो गया। फोर्थ रूट ऑफ 16, और फोर्थ रूट ऑफ 16, तो यंग के जगह पर ये वैल्यू क्या है, यंग एक से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए मीन्स रेडिकेंट, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए दैट इज आल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यन दैट इज ग्रेटर देन वन, ए रेडिकेंट दैट इज पॉजिटिव रैशनल, बट दिस फोर्थ रूट ऑफ 16 इज फोर्थ रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2, जिसका फोर्थ रूट क्या हुआ, 2 हुआ, मींस बाहर आ गया वो। अब ये 2 जो है, हमने x के लिए क्या कहा था कि जो भी अंदर होगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये 2 क्या है, 2 इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए सर, क्योंकि तीन कंडीशन देख रहे हैं हमको, एक यन, एक रेडिकेंट अंदर जो लिखा है सिंबल में वो, और पूरा मिलकर इरेशनल नंबर हुआ तभी वो क्या होता है, सर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई, तो कौन से एग्जाम्पल को सर कहेंगे, किसको सर नहीं कहेंगे, समझ में नहीं आता। तो समझ में आने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर अगर बाहर निकल के एक बार हो रही होगी तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। हमने लास्ट की वीडियो में भी कॉलम किए थे कि विच नंबर आर रैशनल, विच आर इरेशनल, सो व्हेन यू फाइंड दैट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देन फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऑल दैट नंबर्स आर रैशनल, एंड वी कांट फाइंड दैट स्क्वायर, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, दैट टाइम वी से इट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हमें मिल रहा है 2, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम इसे क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट ए सर, ये सर नहीं है। देन सी फिफ्थ रूट ऑफ 2, तीन चीजें हम यहाँ पे चेक करते हैं, यंग दैट इज 5 means greater than 1, एक condition हमारी satisfy होगी, then अंदर radicand that is 2, positive number है, और ये पूरा मिलकर क्या हुआ, irrational number, क्योंकि 2 का कोई factor नहीं कि जो 5 times लिख कर हम बाहर एक बार लिख सकते, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, it is a sir, it is a sir, ये sir है। तो अंदर कि ये sir क्यों है, क्योंकि
यहाँ पे यन और ए और पूरा मिलके ये क्या बन रहा है, इरेशनल नंबर हो रहा है, इसलिए क्या हो गया ये सरल हो गया। रूट इलेवन, थिंक अबाउट दिस रूट इलेवन, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द सर्ट, नथिंग इज गिवन हियर और नथिंग इज रिटन दैट टाइम टू। आपको ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी नहीं लिखा है तो यन मीन्स ऑर्डर ऑफ द सर्ट दैट इज टू, तो वहां पे ऑर्डर क्या होगी उसकी टू होगी। ए रेडिकेंट क्या है इलेवन, पॉजिटिव है और ये पूरा मिलकर रूट इलेवन कोई नंबर है जिसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करके बाहर हम एक बार लिख सकते हैं, इलेवन के लिए कोई फैक्टर नहीं है। मीन्स दिस रूट इलेवन इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए सर। तो अब ये क्या है इरेशनल नंबर होने के कारण ये भी क्या है, इट इज ए सर। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये ऑर्डर हमेशा इस रेडिकल के बीच में होना चाहिए। अगर किसी ने इस तरह से लिखा तो इसका मीनिंग हुआ कि ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई है, तब उसे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ट नहीं कहेंगे। मींस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द सर्ट, मींस ऐसे उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये क्या होगी, लिखने की मेथड रॉन्ग होगी। तो हमेशा जो भी ऑर्डर होगा वो कहाँ आना चाहिए, इस रेडिकल के सिंबल के बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया। कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहां पे टू होगा। अब देखते ये सर्ड है या नहीं। ये सर्ड कब नहीं होगा कि जब कोई नंबर आपको ऐसा मिलेगा कि जिसको हम लोग फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करके 32 के बदले लिखकर उसे बाहर एक बार अगर लिख सकते तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रेशनल नंबर होगा। और यदि वो रेशनल नंबर हुआ मीन सर्ड नहीं होगा। सर्ड होने के लिए कंडीशंस क्या है कि यन ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए और इसकी वैल्यू जो भी होगी वो इरेशनल नंबर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि इरेशनल नंबर अगर होता है तो ही हम उसे क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। तो अब अगर आपको याद होगा तो इस 32 के बदले रूट ऑफ फाइव, टू रेस टू फाइव, टू को अगर हम फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करते, देखिए टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32। मीन्स इस 32 के बदले हम लोग टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू कितने फाइव टाइम्स लिखा और बाहर आके क्या हो गया, फिर ये सिर्फ एक बार टू हो गया क्योंकि इसकी ऑर्डर क्या है फाइव। ऑर्डर यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो उसका ऑर्डर। तो ये अब अगर टू होता है तो ये जो कंडीशन यहाँ पे इरेशनल नंबर की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सर्ड होने के लिए क्या चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए और ये टू क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी से, देयरफॉर इट इज नॉट ए सर, इसलिए ये सर नहीं है। सिमिलरली सी रूट 25, सेम व्हाट अबाउट दिस रूट 25, सो इट इज द पाई स्क्वायर, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज पाई, मींस इट इज नॉट ए सर, ये सर नहीं होगा। रूट 7, 7 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हम लोग, तो कहेंगे इट इज ए सर। देन क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125, तो 5 क्यूब, 5 इनटू 5 इनटू 5 थ्री टाइम्स, तो बाहर इसको 5 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है, तो ये क्या होगा सर, नहीं होगा। देन रूट 15 कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको हम टू टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करके बाद एक बार लिख सकते हैं, तो ये क्या है सर, है इट इज ए सर। देन फोर्थ रूट ऑफ 9, अब 9 के कोई नंबर है इसे हम लोग फोर टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर क्या है इधर, ऑर्डर इज फोर, मींस 9 के लिए कोई फैक्टर फोर टाइम्स मल्टीप्लाई ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं। 3 3 9, अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती रूट 9 तो ये क्या होता है 3, मींस ये सर
नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बाहर एक बार लिखा जा सके। तो यह ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 4, रेडिकेंट इज 9, एंड दिस टोटल फोर्थ रूट ऑफ 9 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए सर्ड। तो आप लोगों को सर्ड पहचान में आ गया होगा कि कौन से एग्जांपल को हम लोग सर्ड कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर जो यहाँ पे एन की जगह पे जो भी लिखा गया होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर। और ये रेडिकेंट जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल हमने माइनस में लिख दिया, माइनस माइनस 36, अब पता है 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, मीन स्क्वायर रूट निकल रहा है, मीन्स वो सर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस होने के कारण भी ये सर नहीं है, तो सर होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, पूरा मिलकर इरेशनल नंबर होगा, तो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, सर कह सकते हैं। तो आप इन सभी का नोट्स निकाल लो, इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते। इफ यन इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, रियल में रैशनल इरेशनल आते, लेकिन हमें पॉजिटिव रियल में रैशनल नंबर ही होना चाहिए। एंड यंथ रूट ऑफ ए इज एक्स, देन इट इज रिटन एज एक्स रेस टू यन इक्वल टू ए, और यंथ रूट ऑफ ए इक्वल टू एक्स, और इन दिस वे इट मीन्स ये जो रूट है 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक्स है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यंथ रूट ऑफ ए दैट इज एक्स, वेयर एक्स इज एन इरेशनल नंबर, दैट टाइम वी से इट इज ए सर।